जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ की एक फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। बताएंगे विस्तार से कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताते जाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन मैं अपने इस चैनल पर ले आता हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। तो पहले आपको आना पड़ेगा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे, नहीं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो उस लिंक पे आने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो आने के बाद आपको आपके सामने न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप पहले फॉर्म फिलअप कर चुके हो यानी रजिस्ट्रेशन कर चुके हो तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे कॉन्स्टेबल फायर 2021 पे क्लिक करना होगा। नहीं तो अगर आप पहली बार आए हो तो यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा नेम पर। यहाँ पर आपका नेम एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, यानी आपका जो नेम है वो आपका मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी एग्जामिनेशन के द्वारा जो नेम है उसके अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना होगा। आपका जो नेम है वो वेरीफाई नेम पे सेम टू सेम टाइप कर देना होगा। उसके बाद हैवी वेवर चेंज नेम, यानी आप पहले कभी नेम चेंज किया है, अगर है तो आपको यस कर देना होगा। उसके बाद आपको न्यू नेम और चेंज नेम पर यहाँ पर आपका जो नेम है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा, अगर नहीं तो आपको नो कर देना होगा। उसके बाद आपका फादर नेम पर आपका पिताजी का नेम लिखना होगा। ध्यान रखना यहाँ पर कोई मिस्टर और श्री की उपयोग ना करें। उसके बाद वेरीफाई फादर्स नेम पर आपका पिताजी का नेम डाल देना होगा, सेम आपका मदर्स नेम डाल देना होगा सेम एज फादर्स नेम। उसके बाद वेरीफाई मदर्स नेम पर आपका जो मदर्स नेम है यहाँ पर आपको मदर्स नेम पर सेम टू सेम नेम डाल देना होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पर आपका पहले ईयर सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपका मंथ, उसके बाद आपको डेट सिलेक्ट करना होगा। ऐसे अकॉर्डिंग सिलेक्ट करने के बाद आपको वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ पर भी आपको ऐसे आपका डेट यानी DOB चूज करना होगा। उसके बाद आपका जेंडर सिलेक्ट करना पड़ेगा। ध्यान रखना ये जो फॉर्म फिलअप है सिर्फ मेल के लिए, यहाँ पर फीमेल आवेदन नहीं कर सकते। उसके बाद वेरीफाई जेंडर पे मेल कर देना होगा। उसके बाद सारे फिलअप करने के बाद आपके सामने जो कैप्चर कोड है यहाँ पर आपको ध्यान से फिलअप कर देना होगा। तो सारे फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बताया गया है डू हैव एनी आधार कार्ड, यानी आपके पास आधार कार्ड है, अगर आपके पास है तो आपको यस कर देना होगा। अगर यस करोगे तो उसके बाद आपका जो आधार कार्ड नंबर है यहाँ पर आपको डाल देना होगा। उसके बाद वेरीफाई आधार नंबर पे वो डाल देना होगा, अगर नहीं तो आपको नो कर देना होगा। उसके बाद आपके द्वारा किसी भी एक डॉक्यूमेंट्स का डिटेल्स यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, यहाँ पर आपको चूज कर देना होगा, जैसे वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस किसी भी। उस पर आप लिखने के बाद आपको यहाँ पर नंबर पे आपको नंबर डाल देना होगा उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आप कैटेगरी SC ST OBC कौन सी कैटेगरी से है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद ठीक नीचे वेरीफाई कैटेगरी पर कास्ट आपको देना पड़ेगा, वेदर यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी से अगर आप आते हो तो आपको यस कर देना होगा, नहीं तो आपको नो कर देना होगा। उसके बाद नेशनलिटी आपको इंडियन सिलेक्ट करना होगा। इफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी आप फिजिकल हैंडीकैप है कि नहीं वो आपको चूज कर देना होगा, अगर है तो उसके अकॉर्डिंग आपको यस कर देना होगा, अगर नहीं तो आपको नो कर देना होगा। उसके बाद मैट्रिकुलेशन 10+ एग्जामिनेशन बोर्ड का डिटेल्स यहाँ पर भर देना होगा। एजुकेशन बोर्ड, आप कौन सी बोर्ड से 10 पास यानी मैट्रिकुलेशन पास किए हो वो देना पड़ेगा। उसके बाद वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड पे फिर से नेम दोहराना पड़ेगा। उसके बाद आपका रोल नंबर, वेरीफाई रोल नंबर पे सेम ईयर ऑफ पासिंग, आप कौन सी ईयर पास कर चुके हो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी आपका हाइस्ट एग्जाम लेवल क्या है, आप ग्रेजुएशन PhD कौन सी आप हायर एजुकेशन में आपको सिलेक्ट कर देना होगा। ध्यान रखना मिनिमम आपको 12 का सिलेक्ट पास होना चाहिए, नहीं तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आपका हाउस नंबर, विलेज, आपका एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, यहाँ पर आपको सारे विस्तार से भर देना होगा। तो सारे भरने के बाद आपको इफ परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस आर द सेम, यानी आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको चेक दिस बॉक्स पे क्लिक कर देना होगा, नहीं तो आप अगर अलग है तो आपको वो फिर से टाइप कर देना होगा। तो सारे देने के बाद आपको ध्यान रखना होगा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा। ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको वैलिड होना चाहिए।
वो सारे देने के बाद आपको कन्फर्म आईडी पर आपका ईमेल आईडी कन्फर्म मोबाइल पे आपको मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना होगा। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो कैप्चर कोड शो हो रहा है यहाँ पर आपको डाल देना होगा। तो सारे सिलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आप ऑप्शन आ जाएगा, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विथ CISF ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड हैज़ बीन सेंड योर रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपके डाला गया ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आपका एक मैसेज गया। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे ठीक नीचे स्क्रॉल करके आपको कॉन्स्टेबल फायर 2021 पे आना होगा। यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे गया है वो यहाँ पर आपको पुट कर देना होगा और यहाँ पर आपको कैप्चर कोड को डाल देना होगा। कैप्चर कोड को डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। तो आने के बाद आपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी पे यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे वेरीफाई ईमेल आईडी हो जाएगा। तो फिर से आने के बाद आपने फिर से सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपको कॉन्स्टेबल फायर 2021 पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके जो इन्फॉर्मेशन डाला है यहाँ पर आप सामने आ जाएगा। आपका स्टेट चूज़ करना होगा, आप कौन सी स्टेट पे है वो यहाँ पर आपको चूज़ कर देना होगा। चूज़ करने के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिशियल यहाँ पर आपको चूज़ करना पड़ेगा, आप कौन सी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और डोमिशियल से आप बिलोंग करते हो यहाँ पर आपको चूज़ कर देना होगा। चूज़ करने के बाद आपका हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। ध्यान रखना ये जो पोस्ट है 12th साइंस पास और साइंस सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद आपका रिलीजन, आप कौन सी रिलीजन से आते हो यहाँ पर आपको चूज़ कर देना होगा। वेदर सेकिंग एज रिलेक्सेशन, ये अगर आपको एज रिलेक्सेशन चाहिए तो आपको येस करना होगा, नहीं तो आपको नो। इफ़ येस तो इंडिकेट कैटेगरी, अगर आपको येस है तो आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं यानी SC ST OBC एक्स सर्विसमैन उनके लिए एप्लीकेबल है। चिल्ड्रेन और डिपार्टमेंट विक्टिम किलिन 1984 राइट एंड कॉमन राइट्स 2022 इन गुजरात है एप्लीकेबल। एज रिलेक्सेशन चाहते हो तो आपको उस येस को क्लिक करके ऐसे आपको क्लिक कर देना होगा, नहीं तो आपको नो कर देना होगा। वेदर बिलोंग द मिलिटेंसी नैक्सल इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, अगर आप मिलिट्री और नैक्सल इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो आपको येस कर देना होगा, नहीं तो नो आपको कर देना पड़ेगा। ड्यू बिलोंग इन द हिल एरिया, अगर आप हिल एरिया से आते हो तो आपको येस कर देना होगा, नहीं तो आपको नो कर देना होगा। उसके बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस डाला गया है आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो FIR कैसे आप कौन सी स्टेट से आते हैं सारे आपको विस्तार से पढ़ देना होगा। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपको येस कर देना होगा, नहीं तो आपको नो कर देना होगा। ध्यान रखना उसके बाद आपको मार्क्स ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन यानी आपका एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देना पड़ेगा, यानी जैसे मोल हो गया, आपका कोई काटने का निशान हो गया, यहाँ पर आपको भर देना होगा। उसके ठीक नीचे डेट ऑफ व्हिच फोटोग्राफी हैज़ बीन टेकन, यानी आप जो फोटोग्राफी आप पेस्ट करना चाहते हो फोटोग्राफी आप कौन सी डेट में खींचा है आपको चूज़ कर देना होगा। आपके अकॉर्डिंग कौन सी डेट है यहाँ पर आपको चूज़ कर देना होगा। जैसे आप चूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको उस डेट के अंदर आपको वो फोटो देना होगा। वेदर द डेट मेंशन इन द फोटो इज क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफी, यानी आपका जो डेट है वो क्लियरली फोटो पे दिखा रहा है कि नहीं वहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा। तो सारे देने के बाद आपको ये टर्म एंड कंडीशन आपको पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। सबमिट पे जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आपको ऑप्शन आ जाएगा, पार्ट वन आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आपका अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे आपका फ़ोटो और अपलोड सिग्नेचर पे आपका सिग्नेचर का डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना होगा। उसके बाद आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, यानी आपका जो बर्थ है उसके अकॉर्डिंग आपको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा PDF फॉर्मेट में। सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन का जो सर्टिफिकेट है वो भी PDF फॉर्मेट में ओनली आपको देना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड पे क्लिक कर देना होगा। अपलोड पे क्लिक करके आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। तो सारे सिलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू फॉर पेमेंट पे क्लिक करोगे। ये जो कैंडिडेट है इसके लिए यू आर एलिजिबल फॉर फीस एक्सेप्शन, यहाँ पर उसके बाद आपको यहाँ पर प्रिंट होने के बाद आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, यहाँ पर आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ऐसे आपका फॉर्म फिलअप हो गया। तो दोस्तों वीडियो को कैसी लगी बताना, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।
वंदे मातरम।